हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका MR एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। RPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो करवाई गई थी, उसमें कुछ अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, लेकिन कुछ अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी और 4 से भी अधिक आवेदन कर जिन अभ्यर्थियों ने करे थे उनको लेकर एक अच्छी खबर है। देखते हैं कि पूरी जानकारी क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 10 अक्टूबर को बुलाया वापस। 4 व इससे अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मिला एक और मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 4 और इससे अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में अनुपस्थित रहने पर एक और मौका दिया है। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उनको 10 अक्टूबर को सभी 96 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 4 व अधिक विषयों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में 23 सितंबर को बुलाया गया था। 297 में से 106 अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे थे, इनमें से कुछ और अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज भेजे हैं। इन सबके बावजूद अब भी 96 अभ्यर्थियों के दस्तावेज आयोग को नहीं मिले हैं। इन सभी की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इन सभी को 10 अक्टूबर को आयोग कार्यालय में प्रातः 9:30 बजे उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इन्हें यह भी सूचित किया गया है कि उनके स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक असत्य घोषणा कर यह आवेदन किए हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है काफ़ी समय से चल रही है और इसके जो दस्तावेज सत्यापन है वो 23 सितंबर को पहले ही हो चुके हैं, लेकिन कुछ अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा एक और मौका दिया गया है। तो उन अभ्यर्थियों की जो सूची है वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है सभी दस्तावेजों के साथ। वो आयोग उनको 10 अक्टूबर को आयोग में बुलाया गया है। तो इस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।